हाँ, मैंने सुना हूँ कि अच्छा रिस्पांस है और आने वाला टाइम में लग रहा है प्रमोद प्रेमी एक जगह बनाएगी इंडस्ट्री में। हाँ, मेरे तरफ से प्रमोद जी का उनकी फिल्म चल रही अच्छी, इसके लिए धन्यवाद। प्रमोद जी से बस मैं कहना चाहूँगा कि जिस रेट में, जिस भाव में, जिस फीस में मैंने उनको तय किया है, उनको पैसा दिया है, उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, कोऑपरेट किया, तो मेरे जैसे लोगों के साथ भविष्य में भी वो उसी रेंज में रहे, ज़्यादा ऊपर ना जाएं। देखो, मैं अंजना सिंह को नहीं जानता हूँ, पूनम को मैं जानता हूँ, मिला हूँ उनसे एक दो बार, तो अच्छी है लड़की पूनम और एक्टिंग भी अच्छी करती है, तो भविष्य अच्छा है उनका। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़ें और उनकी फिल्म बहुत अच्छा कमाए, ताकि प्रोड्यूसर को दूसरा भी मौका मिले आगे बनाने का फिल्म। अभी क्योंकि हम आज से प्रोडक्शन कर रहे हैं शुरू, अपने यहाँ बॉलीवुड उमंग में हम लोग आए हैं, तो 2 से 2.5 महीने हमारा लगेगा यहाँ सारा टोटल। तो उम्मीद है कि हम 25 जनवरी को फिल्म को रिलीज़ करें। सब थैंक यू आपका और आपके चैनल का। यही है कि भोजपुरी सिनेमा का कुछ नया बदलाव आ रहा है, दर्शक लोग, आप लोग ज़रूर सिनेमा घर में जाइए और फिल्म को देखिए, जो भी फिल्में आ रही है उसको देखिए और आनंद लीजिए। पहले से काफ़ी बदलाव आ चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी, तो मैंने ढूंढा कि हम कम बजट में किस हीरो को लेकर काम कर सकते हैं। आपको शायद जानकारी भी होगी कि मैंने सबसे पहले रितेश पांडे को लेकर साइन किया था, टाइटल दूसरा था, मगर रितेश पांडे जी ने बड़ी हीरोइन की डिमांड की, तो अब उसके लेवल में हमें क्या करना चाहिए ये सोचा, उनको मुझे निकालना पड़ा मजबूरी में कि हम हीरोइन नहीं ले सकते बड़ी, तो भाई आपने करना तो करें, हम कोई भी हीरोइन ले, नहीं मेरे ख्याल से कोई भी इंडस्ट्री में इसको सही नहीं बताएगा, शायद ऐसा बड़े पवन सिंह जैसे लोग भी नहीं करते जो उन्होंने किया हीरोइन के लिए फिल्म को छोड़ने का। सर, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा गलत हो नहीं सकता जो उसने किया। सर, मैं चाहता हूँ कि लोग धीरे धीरे उसको खुद ही, इसका दो ही तरीके हो सकते हैं, तो मैं इसमें कोर्ट में जाऊँ, उसके खिलाफ एसोसिएशन में जाऊँ, मैं कहीं नहीं गया, पब्लिक ही और लोग, इंडस्ट्री के लोग उसको खुद ही बाहर कर दें इंडस्ट्री से, ऐसे लोगों को। नहीं सर, कुछ नहीं, मेरा उल्टा उसने 32,000 रुपये और रख लिया उसमें से, जो मैंने उसको दिया था साइनिंग अमाउंट, ये कह के रख लिया कि ये GST है 32,000 रुपये, और नहीं दिया वापस, जो मैंने पैसा दिया था उसको वो भी उसने पूरा वापस नहीं दिया, और जो उसकी वजह से मुझे लगभग 10 लाख का नुकसान हो गया। सबसे पहले अक्षर सिंह का नाम उन्होंने लिया, फिर उन्होंने तीन, जैसे निधि झा, उसके बाद अंजना सिंह और काजल, तो किरण है कोई, किरण यादव का नाम, ऐसे का नाम काजल यादव ऐसे का नाम था, और मैंने कहा मैं पूनम दुबे को ले लेता हूँ, कि नहीं नहीं उसके साथ काम नहीं करेंगे। इस तरह से उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अपनी बातें थोपते रहे। आप जो बोल दिए वो सच ही बोले हैं, क्योंकि पैसा उनका लगा है, मिलन वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द करेंगे हम लोग, जल्द करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव है। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? पवन जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े, यही मेरे तरफ से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा पवन जी और खेसारी इन लोगों के बारे में, कि वो बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ा पैसा लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, कम पैसा है जिनके पास, उनका सहयोग करें और कम पैसा लेके फिल्में करें, ताकि और अच्छा क्वालिटी आए, क्योंकि वो एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं सब लोग ज़्यादा पैसे के लिए। अगर वो अपना एटीट्यूड को घर रख के चलेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, अगर वो ऐसे ही करते रहे। हाँ, बस मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रोड्यूसर को कोई ऐसा बाहर का व्यक्ति ना समझे, परिवार का आदमी समझे, सोचे कि प्रोड्यूसर आया, पैसा लगा रहा है तो इतने लोगों का घर चला रहा है, तो ये ना सोचे मैं कमा लूँ, बाकी लोग भाड़ में जाएं, प्रोड्यूसर पैसा लगा दिया अब वो कमाए ना कमाए, ये ना सोचे। जी जी, मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे मेरे जैसे निर्माता बाहर से आते हैं, क्योंकि बजट लिमिटेड होता है, तो पहले ठोक बजा के बातें करें कि भाई हीरोइन हमारी मर्ज़ी से होगी, या जो भी चीज़ें कास्ट स्टार कास्ट है हमारी मर्ज़ी से होगी, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होगा, भाई आप अपना काम कीजिए और बात खत्म, पैसा लीजिए, तो अपनी चीज़ें ना घुसेड़ें उसमें। ये मेरे मतलब मेरी वजह से म्यूज़िक डायरेक्टर चाहिए मुझे, फाइट मास्टर मुझे चाहिए, जो भी हो, मतलब प्रोड्यूसर के भी कुछ अपनी चीज़ें होती हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एकजुट होके और कुछ संगठित होके चीज़ें इनके ख़िलाफ़ करनी चाहिए। इस तरह की घटनाएँ किसी भी प्रोड्यूसर के साथ नहीं घटना चाहिए, मैं इनके समर्थन में हूँ।